हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिनी क्रिएशंस में। फ्रेंड्स, अभी बारिश का बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, तो हम बहुत सारी अभी इस टाइम कटिंग्स लगा सकते हैं। काफ़ी ऐसे प्लांट है जो बहुत जल्दी कटिंग लग जाती है, तो ये गुलदावदी का प्लांट है और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगती है फ्रेंड। तो छोटी ऊपर से छोटी छोटी टिप्स लगा दीजिए आप, प्लेन मिट्टी में ही लगा देंगे तो भी ये आराम से इजीली ग्रो हो जाती है। और ये है बडीला, और बडीला भी बहुत ही आसानी से लगने वाला ऐसे प्लांट है जो बहुत आसानी से लग जाता है। ऊपर से छोटी सी कटिंग, इसकी छोटी छोटी सी कटिंग आप लगा देंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा और इसमें बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। और फिर आता है कॉलियस। कॉलियस में देखिए बहुत सारी वेराइटी आती है, मेरे पास 3-4 वेराइटी के हैं ये। ये अपनी कलर से और इनकी लीव्स जो होती है बहुत ही सुंदर होती है, उससे बहुत अच्छा लगता है आपका गार्डन। काफ़ी अच्छे इसके कलर होते हैं तो उस वजह से ये अपने गार्डन में बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए कितने सारे अच्छे अच्छे ये इनकी लीफ होती है, कितने सारे इनके अंदर अलग अलग कलर होते हैं और डिज़ाइन भी कितनी अच्छी बनी हुई होती है, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो इनकी कटिंग तो बहुत ही आसान है लगाना, इनकी भी आप 2-3 इंच की कटिंग छोटी छोटी सी भी लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से अभी इस टाइम लग जाएगी। और आपको एकदम साफ मिट्टी में लगाना है तो ये बहुत जल्दी से लगेगी। और फिर ये है एरेंथेनियम प्लांट फ्रेंड, और इसकी मैंने अभी बहुत सारी कटिंग लगाई थी तो मेरे आराम से बहुत ईजी से लग गई है ये। ये देखिए यहाँ से आपको ये कटिंग इसकी नोड एरिया से लेनी होती है। किसी की भी कटिंग ले आप, नोड एरिया जो होता है जो गांठ सी बनी हुई होती है वहाँ से कट करना है, वहीं से इसको लगाना है। नीचे की जो पत्तियाँ होती है उसको कट करके आप इस तरह से मिट्टी के अंदर ग्रो कर देंगे। ये देखिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले 15-20 दिन पहले लगाई थी तो बहुत अच्छे से लग गई है वो कटिंग। और फिर है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसकी आप छोटी से लेके बड़ी कटिंग भी आप आराम से लगा सकते हैं। ये भी बहुत इजीली लगता है और बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है ये। इसकी लीव्स एकदम ग्रीन रहती है, बहुत ही सुंदर होता है ये प्लांट, और इसमें बेबी प्लांट निकलते रहते हैं साथ में फिर। और फिर है ये मनी प्लांट, और मनी प्लांट में काफ़ी वेराइटीज आती है, तो मेरे पास ये डबल कलर वाला है और इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं फ्रेंड। देखिए इस तरह से इनके एरियल रूट्स निकलते रहते हैं और यहाँ से ही आप कट करके और मिट्टी में दबा देंगे, ये भी बहुत ही आसानी से लगती है, पानी में भी लग जाती है और मिट्टी में भी आराम से चलती है। और फिर ये सिंगोनियम का प्लांट, सिंगोनियम भी जिस तरह से मनी प्लांट होता है उसी तरह से इसमें भी ऐसे ही एरियल रूट निकले हुए होते हैं। और ये देखिए यहाँ से ये नोड एरिया है, तो अगर इस तरह से आपको नोड एरिया दिखे तो आप वहीं से कट करके कहीं पे भी आपको ये प्लांट मिले तो आप छोटा सा भी अगर ला के लगा देंगे तो ये लग जाएगा और बाद में आप इससे काफ़ी प्लांट अपने घर में बना सकते हैं। बहुत आसानी से लगने वाले ये प्लांट है इस मौसम में। फिर ये मनी प्लांट की ही दूसरी वेराइटी है, इसे मोनेस्टेरिया भी बोलते हैं और भी बहुत सारे नाम होंगे इसके। तो ये भी मैं एक कटिंग ही लेके आई थी फ्रेंड कहीं से, मैंने इसमें एक साथ ही 2-3 कटिंग लगाई थी पिछले साल की, बता रही हूँ मैं, ये पिछले साल लगाया था मैंने ये प्लांट, तो मेरे बहुत अच्छे से देखिए आसानी से लग गया था और अब थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, तो ये जब बड़ा होगा तब मैं इससे और प्लांट बना लूँगी। और ये देखिए ये भी एक सिंगोनियम की ही वेराइटी है, सिंगोनियम में बहुत सारी वेराइटीज आती है। मेरे पास 2 कलर में है फ्रेंड, एक थोड़ा इससे डिफरेंट है और ये एकदम ग्रीन कलर में है। देखिए इसकी अगर ये वाला प्लांट भी अगर आपको कहीं पे भी दिखता है तो इसका भी इस तरह से ही नोड एरिया से ला करके आपको लगा देना है, ये बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाले प्लांट है। और ये वंडरिंग जू तो कहीं पर भी इसका छोटा सा टुकड़ा भी गिरता है तो ये भी बहुत ही आसानी से लगता है। और फिर है फ्रेंड ये स्वीट पोटैटो की वाइन, इसमें भी 3-4 कलर में आती है ये, मतलब डिज़ाइन भी अलग अलग होता है और इनकी कलर भी थोड़े अलग अलग होते हैं, तो ये भी बहुत ही आसानी से लगती है। इसकी कटिंग भी इस तरह से नोड एरिया से ही आपको छोटी सी कटिंग लगानी है, वो आप कहीं पे भी अगर आप प्लेन मिट्टी में लगाते हो तो बहुत ही आसानी से लगती है। और फिर ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, दूसरी वेराइटी है ये, ये थोड़ा डबल कलर में है और इसकी लीव्स देखिए बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये परमानेंट प्लांट है, बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है और इसकी कटिंग बहुत ही इजीली लगती है। ये है कनेर के प्लांट, हाइब्रिड कनेर के प्लांट है फ्रेंड, इसकी भी आप कहीं से भी छोटी से छोटी कटिंग लाकर लगाते तो आसानी से लग जाएगी। और उसके बाद में ये जेड प्लांट है, जेड प्लांट वो देखा था वो मैंने कटिंग से ही लगाया था और इसी प्लांट से लेकर लगाया फ्रेंड, इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ईजी से लगती है। और फिर आप इनके बहुत ही सुंदर सुंदर इनके टपोरी बना सकते हैं, इनको अच्छे से शेप दे सकते हैं, इनकी बहुत सुंदर सुंदर आजकल डिज़ाइन में इनको लगाया जाता है, बहुत सुंदर लगते हैं ये वाले प्लांट और ये लक्की भी होते हैं घर के लिए।
तो इसकी कटिंग भी आप ज़रूर लगाइए। फिर है ये नागचंपा, और नागचंपा में देखिए कितने खूबसूरत फूल आते हैं। नागचंपा के फ्लावर में खुशबू तो नहीं होती इतनी, लेकिन ये देखने में बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। इसकी डिज़ाइन और इनके लीव्स देखिए ऐसे नाग की तरह होती है, बिल्कुल स्नेक की तरह होती है इनकी ये लीव्स, और इनमें फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं। फिर है ये पेंटास, पेंटास में बहुत छोटे छोटे से फूल आते हैं गुच्छों में, बहुत ही सुंदर प्लांट है, इसकी भी छोटी सी कटिंग लगा सकते हैं आप। और ये देखिए मेरे डेंथस अभी भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो अभी इस मौसम में इनको थोड़ा छोटे छोटे सी इनकी कटिंग भी लगा दूंगी तो ये लग जाएगी। अगर आपके पास में है तो अभी आप इनसे और भी प्लांट बना सकते हैं फ्रेंड। और फिर ये देखिए जीनिया के मेरे पास में प्लांट लगे हुए हैं, तो अभी अगर आपके पास में है तो आप इनकी भी छोटी छोटी सी कटिंग लगा सकते हैं। कहीं अगर आपके दोस्तों के घर पे कहीं पे भी आस पड़ोस में कहीं पे मिले तो आप छोटी से छोटी इसकी टिप यहाँ से ऐसे कट करके ले आइए और इनको भी आप लगा सकते हैं। इनमें बहुत सुंदर सुंदर कलर में फ्लावर आते हैं फ्रेंड। और बिंका, बिंका को भी अभी आप आसानी से लगा सकते हैं, इनकी भी इनकी छोटी छोटी कटिंग्स बहुत आसानी से लगती है। और ये है मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड की भी आप छोटी छोटी सी कटिंग अभी लगा लेंगे तो आपके बहुत सारे अभी प्लांट तैयार हो जाएंगे फ्रेंड, और काफ़ी अच्छे से अभी इस मौसम में लग जाएगी सारी कटिंग्स। तो प्लेन मिट्टी में ही लगाइएगा, आपकी कटिंग्स बहुत जल्दी से फास्ट ग्रो होगी। और ये है गुड़हल, गुड़हल की भी अगर आप ऊपर से ही टिप लेकर के लगाते हैं तो ये भी बहुत ही आसानी से लग जाती है, बहुत ही सुंदर सुंदर इनमें कलर के फ्लावरिंग होती है। और ये है फिर चंपा, ये देखिए मैंने भी यहाँ पे अभी कटिंग लगाई है 2-3 दिन पहले। और ये है नागचंपा की कटिंग जो मैंने अभी लगाई थी, और इनको लगाए हुए महीना भर हो गया, देखिए बहुत ही आसानी से अब इनमें ग्रोथ भी हो रही है और बहुत ही इजीली ये लग गई थी मेरे, मैंने 3-4 कटिंग लगाई थी तो बहुत अच्छे से लग गई है। और ये है मॉस रोज की, तो आप छोटी से छोटी कटिंग भी आप कहीं पर भी लगा देंगे तो ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी लगती है। और ये जितने भी मेरे पास आप ये चंपा के प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड्स, सारे मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं, मैं एक भी प्लांट खरीद के नहीं लाई हूँ चंपा के, सभी प्लांट ये मेरे अलग अलग फ्लावरिंग के हैं, अभी कई में तो ऐसे फ्लावरिंग नहीं होने लगी है। और बहुत ही सुंदर इनमें फ्लावर आते हैं, गुच्छों में फ्लावर आते हैं, इनमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, नागचंपा में इतनी नहीं आती लेकिन चंपा के अंदर बहुत सुंदर फूल होते हैं इनके, बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू होती है। ये देखिए ये अलग कलर में है मेरे पास में, और ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, मतलब कि मैंने चंपा की कभी भी मैं एक भी प्लांट खरीद के नहीं लेके आई, सारे के सारे मैंने ये कटिंग से ही लगाए हैं। कहीं पे भी मुझे कटिंग मिलती थी तो मैं लेके आती थी, और आज देखिए काफ़ी मेरे पास में प्लांट हो गए हैं। और ये 2-3 कटिंग मैंने अभी लगाई है, और ये एक साथ ही मैंने 3 कटिंग लगाई थी, वो भी अलग अलग फ्लावर के कलर। जब भी इनमें फ्लावर आना स्टार्ट होंगे तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, आप सभी को बताऊंगी कि मेरी इन कटिंग्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कुछ जेड प्लांट की कटिंग लगाई हुई है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। और फिर है ये टर्टल वाइन, टर्टल वाइन बहुत सुंदर लगता है प्लांट, ये हैंगिंग में बहुत ही प्यारे लगते हैं, इसकी आप छोटी से छोटी कटिंग भी अगर कहीं गिर भी जाती है तो भी ये ग्रो हो जाती है, बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाला प्लांट है टर्टल वाइन। और फ्रेंड ये है टिकोमा का प्लांट, इसकी भी कटिंग बहुत अच्छे से आसानी से चलने वाला प्लांट है ये, इसकी छोटी सी कटिंग भी अगर आप लगाते हैं तो ये भी बहुत ही ईजीली लग जाती है, इसमें 3-4 कलर में फ्लावर आते हैं, टिकोमा की काफ़ी अच्छी वेराइटी आती है। और ये है अजवाइन का प्लांट, इसकी आप इतनी छोटी सी कटिंग भी अगर आप कहीं लगा देते हैं ऐसे ही किसी भी गमले में तो ये बहुत ईजी से आसानी से लग जाती है, 2-3 दिन में ही बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है ये, छोटी सी कटिंग भी अगर आप किसी भी पॉट में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से आसानी से चल जाती है अजवाइन की। और फिर ये मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट है देखिए फ्रेंड, और ये सीड से ही मेरे जर्मिनेट हुए हैं, इसमें ये एक प्लांट था मेरे पास में और इससे सीड गिर के और इतने सारे प्लांट बन गए हैं इसके, तो ये प्लांट भी अगर आपके पास आप कहीं से लाते हो तो इसे भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो कटिंग का तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।